चोरियाँ हो रही हैं, अभी स्कूल पे चोरी हुई थी, उसके बाद आज आपके बदेरानाथ मंदिर प्रांगण के समक्ष में सामुदायिक शौचालय है, वहाँ पर भी चोरी हो गई है। क्या इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी श्रीमती जी इस गांव की ग्राम प्रधान हैं, और यह दुर्भाग्य का विषय है कि जनपद का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होने के बावजूद आए दिन इस धार्मिक स्थल पे चोरियों का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। मंदिर परिसर पे यह छठवीं या सातवीं चोरी है। जिस शौचालय के सामने हम लोग खड़े हैं उस पे आज चोरी हुई है, और समरसेबुल, तार, केबल, इसके अतिरिक्त पाइप, टोचन, सभी चीज़ उखाड़ के ले गया है। इसके पहले इस शौचालय के निर्माण के समय इसमें चोरी हुई थी। माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी द्वारा बनवाया जा रहा उत्सव भवन पर से भी टंकी इत्यादि चीज़ें चोरी हो गई। जैसा कि आपने कहा कि इस मंदिर पर पांचवी छठवीं बार चोरी है, तो क्या इसकी शिकायत कभी प्रत्येक बार शिकायत की जाती है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि किसी भी शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया जाता। अभी हमारी ग्राम पंचायत में 2 तारीख को जी प्राथमिक विद्यालय भतड़ा पे बहुत बड़ी चोरी हुई जी जी, जिसमें बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के भोजन करने के पात्र तक और उनके भोजन से सामग्री तक की चोरी हो गई जी। लेकिन उस शिकायत पर भी बार बार प्रयास के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे चोरों का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है और आए दिन चोरियाँ हो रही हैं। इस सरकार में, जहाँ तक माने कि योगी सरकार में जो क्रिया है, जो कार्यकलाप है सरकारी, वो बहुत तेज चल रहा है, फिर भी ये जिगना पुलिस की आप लापरवाही मानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब लापरवाही ये है कि इसके पहले प्राथमिक विद्यालय बदेवरानाथ पे, प्राथमिक विद्यालय भतड़ा पे 2 बार चोरी हुई, मंदिर परिसर पे वे 5वीं 6वीं बार चोरी हुई, सभी की सूचना दी जा चुकी है। सभी इन किसी मामलों में FIR दर्ज हुई? सूचना दी जा चुकी है, FIR नहीं हुआ है, FIR हो ही नहीं रहा है किसी मामले में। 2 तारीख की सूचना दी गई है, सारे के पेपर कटिंग है, सारे के मीडिया कवरेज है, सभी चोरियों के मीडिया कवरेज है, सभी चोरियों के पेपर कटिंग है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक किसी भी चोरी पर किसी प्रकार की आप नहीं। प्रधान प्रतिनिधि हैं, जब आपकी सुनवाई इस तरह से नहीं हो पा रही, तो क्या लगता है आम नागरिक की सुनवाई कहाँ तक होती होगी? इससे तो यह स्पष्ट है कि जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थल पर यदि इतनी बड़ी चोरी हो जाए और उसका खुलासा न हो पाए, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगता है।